इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में रविवार दिन दहाड़े एक गुंडे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। इस मामले में एडिशनल पुलिस कमिश्नर मनीष कपूरिया ने फरार बदमाशों के खिलाफ 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया है। साथ ही हीरानगर पुलिस ने नगर निगम को पत्र लिखकर बदमाशों की संपत्ति की जानकारी मांगी है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर मनीष कपूरिया का कहना है कि जल्द आरोपियों के मकान ध्वस्त कराने के साथ ही पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। इसमें समुचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और वीडियोग्राफिक एविडेंस भी है, ओरल एविडेंस भी है, पर्याप्त साक्ष्य संकलित हो गया है। आरोपियों की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। पुलिस की 3 टीम्स रवाना है और हमें विश्वास है कि जल्दी ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सर, आरोपियों पर कुछ इनाम की राशि घोषित की जी? हाँ, आरोपियों पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया। सर, कोई संपत्ति की जांच, अतिक्रमण या मकान तोड़ने की कार्रवाई को लेकर कोई पत्र लिखा? आवश्यकता अनुसार सारे प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएंगे। सर, और भी कुछ ऐसे बदमाशों पर नकेल कसने के लिए आने वाले दिनों में पुलिस इनसे कुछ सख्त कार्रवाई करेगी? नहीं, समुचित प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सभी बदमाशों के विरुद्ध की ही जा रही है और जैसे भी क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा और यदि कोई ब्रीच ऑफ पीस की सूचना होगी तो प्रिवेंटिव एक्शंस लेंगे। इंदौर से अजहर शेख की रिपोर्ट।